गाइस, आपने एलियंस या यूएफओ के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा और कई लोगों ने तो इन्हें मार्वल की मूवी में भी देखा होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि एलियंस हमारे प्लैनेट अर्थ में भी एग्जिस्ट करते हैं तो आप में से कोई भी मेरी बात पर बिलीव ही नहीं करेगा। बट शायद आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अर्थ में एक ऐसी जगह भी है जहां एलियन स्पीशीज की मौजूदगी महसूस की गई है और इस जगह का नाम है एरिया 51। एरिया 51 का रियल नेम एरिया 51 नहीं है, इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएस के नेवाडा रीजन में प्रेजेंट है। वर्ल्ड वॉर टू के समय में एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की गई थी और एरिया 51 भी इनमें से ही एक है। इनमें से किसी भी एरिया में कोई भी अजीब हरकत महसूस नहीं की गई थी, सिर्फ एरिया 51 को छोड़ के। चलिए जानते हैं कि एरिया 51 का रहस्य शुरू कैसे हुआ। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम नाम के रेडियो शो में एक अननोन पर्सन का कॉल आया जिसका कहना था कि वो एरिया 51 में काम करता था। तो चलिए सुनते हैं उस रेडियो के रिकॉर्डिंग क्लिप को। Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Okay, Harry said you were. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? I'm a former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Man, I don't know where to start. They're going to they'll triangulate on this position really, really soon. You can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay, okay, what we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, aren't? But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out, so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. और इस तरह रेडियो शो के बीच उस इंसान का फोन कॉल कट जाता है और उस अनजान इंसान का क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला। बट इस रिकॉर्डिंग में ध्यान देने वाली बात ये है कि इस रिकॉर्डिंग में इंटरडाइमेंशनल स्पीशीज की बात की जा रही है, जैसे एलियंस और इससे सिमिलर कुछ। अगर आप गूगल मैप में या गूगल में एरिया 51 को देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि एरिया 51 अंडरग्राउंड टनल से घिरा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है एरिया 51 की इमेजेस। अगर हम एरिया 51 की इमेजेस को जूम करते हैं तो हमें उस इमेज में कुछ एंट्रेंसेस दिखाई देंगे जिससे हम उसके अंडरग्राउंड टनल से जुड़े होने के सबूत मिलते हैं। एक इंसान है बॉब ब्लेजर, जिसका कहना है कि वो एरिया 51 में काम करता था और उसका कहना था कि वो वहाँ S4 डिपार्टमेंट में काम करता था और उसने वहाँ कई सारे एलियन स्पेसक्राफ्ट रिसर्चर्स को होते हुए देखा है। उन्होंने बताया कि वहाँ एलियन के स्पेसक्राफ्ट की स्टडी की जाती थी। वो लोग ये जानना चाहते थे कि एलियन स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के कैसे उड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बॉब ब्लेजर ने 1989 में ये बताया कि एलियन स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता है
जिसका एटॉमिक वेट 115 है, जो कि एक एंटी ग्रेविटी एलिमेंट है, और ये एलिमेंट उस समय डिस्कवर भी नहीं हुआ था। और इस एलिमेंट के बारे में बॉब लेजर ने 14 साल पहले ही बता दिया था, और तो और इस जगह के ऊपर किसी भी एयरक्राफ्ट का उड़ना भी मना है। इस जगह की कोई फोटो भी नहीं खींच सकता था, यहाँ तक कि यहाँ आप ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते हो, और तो और इस जगह की इमेजेस आप सैटेलाइट से भी नहीं खींच सकते हैं। जो इमेजेस आप इंटरनेट पे देखते हैं वो भी उस जगह से 10 किलोमीटर दूर से ली जाती हैं। और सबसे अजीब बात ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि एरिया 51 एक मामूली मिलिट्री बेस है, बट सवाल ये है कि अगर ये नॉर्मल बेस है तो इस बेस में इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई हैं? आपने बीबीसी चैनल के बारे में तो सुना ही होगा। एक बार बीबीसी न्यूज चैनल की टीम एरिया 51 की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां पहुंची, बट जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्हें वहां के गेट्स में ही रोक लिया गया और वापस भेज दिया गया, जबकि वहाँ इससे भी ज्यादा कुछ हुआ था। बीबीसी न्यूज चैनल वालों को वहाँ से हथकड़ी पहनाकर घुटनों के बल वापस भेजा गया, और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि एरिया 51 में टाइम मशीन और एलियन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी रिसर्च की जा रही है। और तो और स्टीफन हॉकिंस ने भी एरिया 51 की रिसर्चेस को इंसान के लिए खतरा बताया है, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एरिया 51 में ही अपोलो को भी लैंड कराया गया था, और वहां मून से लाए हुए सारे सैंपल आज भी रखे गए हैं, जिनमें से कुछ ही सैंपल्स दुनिया को दिखाए गए और बाकी सैंपल्स की आज भी एरिया 51 में रिसर्च की जा रही है। ये सब चीजें एक अलग से खतरे का संकेत दे रही हैं। क्या लगता है आपको, एरिया 51 की सच्चाई क्या हो सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।